नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ललन टॉक पर आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान, जिन्हें आपने काय पोचे में देखा, रीत में देखा और अब आप जीत की जिद में भी देख रहे हैं। अमित साहब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत दिव्यांशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने ये मौका दिया आपसे यहाँ पे आके लल्लन टॉक में आपसे बात करके आपके व्यूअर्स तक पहुंचकर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी, पहले सवाल से शुरुआत करेंगे। आपकी हालिया रिलीज फिल्म जीत, वेब सीरीज जीत की जिद से कैसा रिस्पांस मिल रहा है, आपसे ही सुनना चाहेंगे। दिव्यांशी, ऊपर वाले की मेहर है यार, और सबका प्यार है। लोगों को ये वेब सीरीज नहीं, ये कहानी बहुत पसंद आ रही है। कहानी बहुत बलवान होती है, कहानी में बहुत दम होता है। ये इंडियन आर्मी की कहानी है। ये हमारे स्पेशल फोर्सेस के नौजवान मेजर दीप सिंह सेंगर की कहानी है, जया सेंगर की कहानी है। एंड जिस मकसद से, जिस इरादे से हमने ये बनाई थी, वो जाके सही जाके बैठा है। हमने ये कहानी बनाई थी लोगों को, कि ये देखकर लोगों को एक प्रोत्साहन मिले, लोगों में एक जज्बा आए, क्योंकि इस वक्त बहुत निराशा है दुनिया में, देश में, इस वजह से मुझे खुशी है कि लोग इसे देख रहे हैं, दोबारा देख रहे हैं, तिबारा देख रहे हैं, ऐसे मैसेज आ रहे हैं, और उनको एक खुशी मिल रही है, उनको एक सीख मिल रही है, उनको एक अच्छी कहानी मिल रही है जो उनको इंस्पायर कर सकती है और इंस्पायर कर रही है। बहुत बढ़िया, यही शायद एक एक कहानी, एक फिल्म या फिर एक वेब सीरीज इसके साथ होना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा कि मेजर दिलीप सिंह सेंगर का किरदार आपने इसमें निभाया है, इससे पहले अवरोध में आपने मेजर विदीप सिंह का किरदार निभाया था, दोनों में कितना फर्क महसूस लगा आपको? सो ये मेजर दीप सिंह सेंगर की कहानी है। ये कारगिल वॉर के दौरान की कहानी है। मैं उसमें माइक टैंगो था, विदीप, वो एक हाल ही की कहानी है, उरी अटैक्स जो कब कुछ साल पहले हुए थे, उरी उरी ऑपरेशन जो था। बहुत फर्क है। वहां पे हमने पूरा उरी का इंसिडेंट दिखाया है। जो बंकर पॉलिटिक्स होती है, जो ब्यूरोक्रेटिक, हाउ व्हेन यू गो टू वॉर, क्या ब्यूरोक्रेसी होती है, टेक्निकल, कैसा कैसे एक मिशन में जाते हैं, कैसे आप इंग्रेस करते हैं, एग्रेस करते हैं। उरी और अवरोध उस विषय के बारे में थी। यहाँ पे एक ये इस इंसान की कहानी, आप कह सकते हैं कि ये द ग्रेट बैकड्रॉप ऑफ द ग्रेट इंडियन आर्मी, ये मेजर दीप सिंह सेंगर की बायोपिक है, ये इनकी कहानी है खुद की। एंड जहां तक आर्मी मिलिट्री कियोग्राफी की जो बात की जाए, जो ऑफकोर्स वेपन्स चेंज हो गए हैं 20 साल में, ड्रिल चेंज हो गए हैं, कम्युनिकेशन चेंज हो गए हैं। एंड एक अमेजिंग बात जीत की जिद की ये भी है कि इस बार हमने स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग दिखाई। हमने उरी में दिखाया था कि स्पेशल फोर्सेस तैयार दिखाए थे, कि किस तरह ये गए थे और किस चतुराई से और किस बेहतरीन तरीके से ये कोविड ऑपरेशन इंडिया की स्पेशल फोर्सेस करती है। इस बार हमें हमें दिखाने का मौका मिला है कि इनकी ट्रेनिंग मेंटल और फिजिकल किस प्रकार होती है। वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। दूसरा, आई थिंक दिव्यांशी, जब हम लोग इंडियन आर्मी की कोई कहानी सुनाते हैं, या किसी भी आर्म फोर्सेस या फौज या पुलिस, हम लोग हमेशा उस किरदार को दिखाते हैं, उस कैरेक्टर की कहानी बताते हैं। ऑफकोर्स बतानी भी चाहिए, बट हम लोग एक पहलू है उसको हमेशा भूल जाते हैं, वो होता है द आर्मी बिहाइंड द आर्मी, जो एक बहुत बड़ा मैसेज है हमारी सीरीज जीत की जिद का, कि उनकी जो वाइव्स होती हैं या घर पे जो लोग होते हैं, वो भी हीरो होते हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट, उनकी जो जिस तरह वो एक बैकबोन बन के उनको सपोर्ट करते हैं, जो वापस आते हैं इतनी तकलीफों में, जैसे हमारे दीप सिंह सेंगर वापस आए, कारगिल वॉर में उनको 5 गोली लग गई थी, एंड वापस आए वो व्हील चेयर में थे, एंड कैसे जया ने उनका साथ दिया, और उन्हीं की बदौलत में। दीप सर से भी जब पर्सनल बात करता हूँ, तो वो कहते हैं यार, वो जया को ही दिखाना था, कि मुझे चल के दिखाना था जया को, तो वो कहते हैं बस दिखाना था मैं जया को यार कि मैं चल सकता हूँ। तो एक जिद थी उनकी। ये कहानी है थोड़ा, इस कहानी की जो एक, आई थिंक एक कहानी का इफेक्ट होता है, एक कहानी का दायरा होता है, वो बहुत बड़ा है, कि किस तरह दो लोग अपने लिए तो जी रहे हैं, बट एक दूसरे के लिए भी जी रहे हैं,
और यू नो वो जो एक एटीट्यूड होता है नेवर गिव अप एंड हाउ दीज टू अमेजिंग पीपल दे डोंट गिव अप ऑन देमसेल्व्स एंड दे डोंट गिव अप ऑन ईच अदर। अगला सवाल कि क्या खास तैयारी की आपने ये किरदार निभाने के लिए जीत की जिद में? इसका सबसे बड़ा श्रेय एक्चुअली मैं दूंगा अपने राइटर आकाश जॉय और सिद्धार्थ मिश्रा को, जिन्होंने बहुत रिसर्च की। इन सब ने, आकाश और जॉय ने खास तौर पर, उन्होंने बहुत रिसर्च की। मैं जया मैम और दीप सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये परमिशन दी, अलाउ किया, हम पर ट्रस्ट किया कि हम इस तरह की कहानी, उनकी कहानी देश तक लेके जाए। सो मेरा जो योगदान है एज एन एक्टर यही है कि मैंने अपने तन मन धन से पूरी तरह अपने आप को इस रोल के हवाले किया, अपनी टीम के हवाले किया और हम सब ने मिलके ये बनाया है। और ऑफ कोर्स बहुत फिजिकैलिटी है, मेरा बस एक ही मकसद था कि जितना हो सके मैं सच्चाई से और रियल इफेक्ट, रियल चीजें कर सकूं कि जब लोग देखें उनमें एक जज्बा आए, उनको लगे कि हाँ इस बार एक्टिंग नहीं, कुछ रियल देखने को मिल रहा है। सो वो किया है, कोशिश की है उसको, उसके लिए बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है यू नो ऑडियंस का। और बस यही है, मतलब जो कुछ चोटें लगती हैं जब आप रेल करने जाते हैं, कुछ कष्ट होता है, बट जब इस तरह का रिस्पांस आता है तो वो एक तरह से थिंग मल्लम पट्टी बन के आता है, यू नो इट एनकरेजेस यू। एंड मैं बहुत खुश हूँ और सबका बहुत आभारी हूँ। टीवी, फिल्मों और वेब सीरीज तीनों फॉर्मेट्स में आपने काम किया, सबसे ज्यादा पर्सनली आपको मजा किस में आया? देवांशी जी, मैं एक्चुअली फॉर्मेट के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक कहानी पे काम करता हूँ, मैं एक किरदार पे काम करता हूँ, मैं अपने आप पे काम करता हूँ, मैं आसपास में लोगों के लिए काम करता हूँ, के साथ काम करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो OTT हो, सिनेमा हो, वेब सीरीज हो, पिक्चर हो, थिएटर हो, हर जगह का जो मंच है उसमें एक अलग अनुभव है, एक अलग खुशी है, एक अलग आर्ट है। सो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि मैं पिक्चरें भी कर रहा हूँ, मैं सीरीज भी कर रहा हूँ, और इसका श्रेय दो लोगों को जाता है, प्रोड्यूसरों को और इंडस्ट्री को जो मुझे काम दे रही है और आगे बढ़ने का और अपना टैलेंट दिखाने का मौका दे रही है, और ऑडियंस का कि वो मुझे बर्दाश्त कर रही है, मुझे मौका दे रही है, मुझे प्यार दे रही है, और आप जैसे लोगों का जो हमें यू नो हमें बुला के हमारी बातचीत, हमारे ख्यालात, हमारी सोच, हमारा काम को इतना हौसला अफजाई देते हैं, इतना मान देते हैं और दुनिया तक, देश तक लेके जाते हैं। सो बहुत ढेर सारे लोग हैं अच्छा कर रहे हैं, उसके बदौलत यू नो जी रहे, आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ओके, पास्ट कुछ टाइम में लॉकडाउन से मान लीजिए डिजिटल स्पेस में एक्सपोनेंशियल सक्सेस मिली है चीजों को, अपने लिए आप इस सक्सेस को कैसे देखते हैं इस डिजिटल स्पेस, इस OTT प्लेटफॉर्म्स में जिस तरह से कंटेंट बढ़ रहा है? सो हाउ डू यू सी इट फॉर योरसेल्फ? सो पहली चीज ध्यान जी, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ये रातों रात नहीं हुआ, 10-15 साल से नेटफ्लिक्स लोग पूरी दुनिया देख रही है, इंडिया में मैं कहता हूँ ऑफकोर्स 3-4 साल हुए हैं। एंड आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि 2020 में ये बहुत बड़ा है क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, सब घर में बैठ गए थे। उसका ये भी है कि इंडिया में 5G है अब और इंटरनेट कनेक्शन जिस प्रकार बढ़ रहा है शहरों में, गांव में, अलग अलग यू नो पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह कनेक्टिविटी बढ़ रही है, और सो मैं मानता हूँ जरूर कि ग्रोथ हुई है और अच्छा है। एंड पूरी दुनिया इंटरनेट पे है आज, आप और मैं कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी में कि एक इतनी अच्छी बेहतरीन चर्चा बातचीत हो पाएगी फोन पर, बट ये टेक्नोलॉजी का यू नो टेक्नोलॉजी की ये काबिलियत है। सो टेक्नोलॉजी को हम लोग सही तरीके से सही प्रकार अगर इस तरह यूज करते रहेंगे, सो आई एम श्योर हमारा जो कनेक्ट है, जो रीच है, वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, सही चीज और उद्देश्य जो है आपका वो बहुत लोगों तक पहुंचेगा, तो ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। एंड यहाँ तक मेरे मैं कहूँगा एज एन इंडस्ट्री की OTT जो है बहुत ज्यादा डिफरेंट प्रकार की कहानियों को जो हम शायद पिक्चरों में नहीं दिखा पाते कई बार, क्योंकि प्रोड्यूसर होता है, सेंसरशिप होती है, कई बार लगता है लोगों को शायद ये पिक्चर लोग नहीं देखेंगे या कम लोग देखेंगे। यहाँ OTT में आई थिंक बहुत ऐसी पिक्चरें हैं जो शायद नहीं बन पाती, बट क्योंकि OTT है उन लोग को वो कहानियों को बनाने का मौका मिल रहा है।
जिससे कि हमारे देश में नए एक्टर दिख रहे हैं, नया काम दिख रहा है, नई सोच दिख रही है. सो ये अच्छा है, इट्स अ पॉजिटिव वे फॉरवर्ड. एंड आई एम श्योर हम लोग और अच्छी कहानियां बनाते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे. मुश्किल है क्योंकि इसके पीछे बहुत प्रयास, संघर्ष और इंतजार रहा. जब मैंने निर्णय लिया कि मैं पिक्चरें करूंगा, एक जिद तो ठान ली लेकिन तैयार नहीं था अपनी कला पे, अपनी शख्सियत पे, अपने चीजों पे ज्यादा काम नहीं किया था, बट एक जिद में आ गया था और काफी रिजेक्शन मिला. फिर मुझे लगा कि मुझे अपने आप पे काम करना चाहिए, अपने जो आर्ट है उसको सुधारना चाहिए. बहरहाल मैंने कुछ एक्टिंग स्कूल गया, ली स्ट्रासबर्ग गया, थोड़ी एक्टिंग सीखी, वापस आया एंड मेरा जो पहला ऑडिशन था मेरे नए जीवन का, नई शुरुआत का, वो था कायपोचे. एंड मेरे पहले ऑडिशन में ही मुझे बोला गया कि ओमी का कैरेक्टर जो है हम तुम्हें देना चाहेंगे. एंड फिर एक नया जीवन शुरू हुआ, एक नई शुरुआत शुरू हुई. उसके बाद की चीजें कैसी रहे आफ्टर कायपोचे? ये भी बड़ा आप सारे टफ सवाल पूछ रहे हो, बट मुझे खुशी होती है जब मुझे कोई चैलेंज करता है ना, क्योंकि सही सवाल पूछना. लोग कई बार मुझे बोलते हैं दिवांशी जी कि अरे तुम्हारा इंटरव्यू बड़ा अच्छा था, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि वो इंटरव्यू अच्छा इसलिए था कि सामने वाले इंसान ने थोड़ी मेहनत की है और आपसे सही सवाल पूछे. तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, यू नो, थैंक यू सो मच. इसके बाद मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूंगा, एकदम रातों रात वापस लाइफ बदली. यू नो, जिन लोगों को इंडस्ट्री में दूर से भी नहीं देख पाते थे उनके साथ उठना बैठना, बातचीत, उनकी तारीफ. सो एक्चुअली मेरा कोई दिमाग नहीं खराब हुआ, बट आई थिंक एक वक्त था कायपोचे के बाद जो मैं थोड़ा खो गया कुछ महीनों के लिए. ऐसे कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, बस खो गया, थोड़ा सा बहक गया मैं, यू नो, एंड थोड़ा अपने आप को खोया. मेरा एक जो अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, वो थोड़ा डगमगाया. जो चीजें मैं कर रहा था, पढ़ाई लिखाई ट्रेनिंग, वो सब में थोड़ा एक रुकावट सी आई. एंड फिर मैं देखने लग गया, मुझे लगा 6-9 महीने के करीब ये चला. फिर मुझे एकदम रियलाइज हुआ एक दिन कि मेरा जीवन नहीं है, जो मैं कर रहा हूँ ये मैं उसके लिए पैदा नहीं हुआ हूँ. और जो मैं करने आया हूँ, या जो कायपोचे से पहले वाला अमित था, या जो फुटपाथ पे जो अमित था, वो ये अमित नहीं है, अमित दूर हो रहा है अमित से. किस्मत है, ऊपर वाले का हाथ है, कुछ अच्छे दोस्त हैं 2-4 बहुत सच्चे, सबके सहयोग से मैं वापस जो लाइन थी मेरी, यू नो, जो मेरी सुर है जीवन की, मेरी जो कॉलिंग है, मैं उस पे वापस आया. और बस अब बिल्कुल बुलंद है, सही जगह पे है, खुश है और दिमाग ठीक है. और बट मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ तिवंशी जी, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है दुनिया के साथ शेयर करना. क्योंकि कई बार हमें लगता है एज एन एक्टर या कोई भी इंसान, जब उसको सक्सेस मिल जाती है तो दुनिया को बताना भूल जाता है कि भाई मैं भी गिरा था, या सक्सेस मिलने के बाद भी गिरा था. तो मैं सोचता हूँ कि जब नौजवान इंडिया के हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि सही होने के बाद भी आप गिरते हैं, डगमगाते हैं. एंड उसको मानना, उसको स्वीकारना, उसके बारे में बात करना ताकत है, कमजोरी नहीं, एक साहस है. एंड मैं बताना चाहता हूँ कि ये लाइफ है, गिरेंगे, खड़े होंगे, यू नो, और फिर चलेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसलिए गिरने से डरना नहीं है. इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अगला सवाल, अभी आपने कहा कुछ दोस्त मिले और लोग मिले, कायपोचे में आपके को स्टार थे सुशांत सिंह राजपूत जो अब नहीं रहे, उनके साथ कोई कैसा रहा सारा एक्सपीरियंस, कोई मेमोरेबल इवेंट, कुछ ऐसी मेमोरी जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल, मैं ये जरूर कहूंगा कि जो लगाव, प्यार, इज्जत सुशांत राज और मेरे बीच था, वो मुझे आज तक की कभी किसी फिल्म में किसी के साथ नहीं मिला. हम तीनों बहुत ही प्योर, सच्चे, अपने काम की इबादत करते हुए, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हुए, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हुए हमने ये पिक्चर बनाई थी.
एंड मेरे लिए वो जिंदगी भर याद रहेगा। जाहिर सी बात है कि कायपोचे जो खुशी देती थी, या कायपोचे के गाने सुनके या उनकी बातें सुनकर, या जब लोग कायपोचे की तारीफ करते थे, अब जाहिर सी बात है वो इतनी खुशी नहीं देगी, क्योंकि मेरे लिए कायपोचे खत्म हो गई है, यू नो। एंड उस पर नहीं जाऊंगा ज्यादा, क्योंकि कुछ चीजें हैं आई थिंक इंसान के मन में और ख्याल में ही रहनी चाहिए। हर चीज पूरी दुनिया को नहीं, जरूरी नहीं है कि सब कुछ बता दिया जाए। बट मैं एक चीज जरूर बताऊंगा आपसे कि मैं कायपोचे में, जस्ट क्योंकि आपने कायपोचे की बात की, कायपोचे में एक तरीके से काम किया था हम लोगों ने, सुशांत ने, राजू राज ने और मैंने, और मुझे वो इतना अच्छा लगा था कि मैं अगली पिक्चर या उसके बाद में वही ढूंढते रहा। इसलिए कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि तुम्हें काम क्यों नहीं मिल रहा, तो मैंने कहा यार काम, क्योंकि मैं हर चीज कायपोचे से, क्योंकि कायपोचे इतना अच्छा अनुभव था, इतने अच्छे लोग थे, को एक्टर थे, दोस्त बन गए थे, भाई बन गए थे। गट्टू ने हमें इतना, हमारे जो डायरेक्टर है अभिषेक कपूर, इतना प्यार दिया था, इतना मान दिया था, कि मैं उसी को चेस करने लग गया। तो मैं कुछ भी मिलता था उसकी, मैं कंपेयर करता था, एंड मुझे वो कायपोचे से हल्की चीज लगती थी, लोग हल्के लगते थे, तो मैं नहीं करता था। फाइनली 6-8-9 महीने के बाद मेरे एक दोस्त, उन्होंने कहा भाई प्लीज काम कर ले, भूखा मरेगा वापस। फिर मैंने नई शुरुआत की, एंड फिर भी मैं एक दो पिछड़े में ढूंढते रहा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि कायपोचे तो दोबारा कभी नहीं आएगी। यू नो, मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया, आज मन में आया तो आपको बता दिया। बहुत शुक्रिया साझा करने के लिए। ब्रीथ पर आते हैं। लॉकडाउन के दौरान इसका दूसरा सीजन रिलीज हुआ, आपके लिए इस रिलीज ने आपका लॉकडाउन कैसे बेहतर किया? क्या एक्सपीरियंस रहा कि लोग क्या बोल रहे थे, क्या कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे थे? तुमांशी, यू नो, मैं लॉकडाउन के बारे में ज्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारा लॉकडाउन नहीं था, बहुत आसान था। अगर बात की जाए जिन लोगों ने संघर्ष किया है, मुसीबतें झेली हैं, उनको बोलते हैं कि लॉकडाउन में परेशान जो हुए, और अभी भी कई लोग हैं जो उससे नहीं उभर पाए। एंड मैं इस ख्याल में बहुत जीता हूँ रोज, इस ख्याल से। सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे लॉकडाउन में खुशी होगी, मेरा लॉकडाउन बहुत आसान था उन लोगों के मुकाबले। ब्रीथ की बात करें, ब्रीथ मेरी लाइफ लाइन है, मेरा जो कैरेक्टर है कबीर सावंत, उसको लोग इतना प्यार देते हैं, हम लोग ब्रीथ बहुत प्यार से बनाते हैं। हमारी जो टीम है, यू नो, हमारे राइटर डायरेक्टर मयंक, विक्रम, तुल्ली, हमारे प्रोड्यूसर अमेज़न, हम लोग बहुत इसको बहुत दिल से बनाते हैं। एंड टू में मैंने भी बहुत मेहनत की, सबने बहुत मेहनत की, एंड जब ये बाहर आई और लोगों ने इतना प्यार दिया, और यू नो कबीर सावंत को खास तौर पर इतना प्यार दिया, उसको इतना लोगों ने अपने घर घर ले आया उस कैरेक्टर को, एज इफ कि वो एक कैरेक्टर नहीं, वो एक यू नो एक लिविंग बीइंग है। सो खुशी होती है, आई थिंक ये जब चीजें होती हैं तो इससे रियलाइज होता है कि जब आप मेहनत करते हैं और सच्चाई से जीते हैं तो कामयाबी प्यार के साथ मिलती है। मुझे कामयाबी नहीं चाहिए, कामयाबी तो किसी को भी मिल सकती है, कामयाबी तो दाऊद इब्राहिम को भी मिल गई, तो मुझे कामयाबी नहीं चाहिए, मुझे कामयाबी चाहिए प्यार, प्यार के साथ चाहिए, और प्यार जीतना पड़ता है, प्यार और इज्जत कमानी पड़ती है, वो तोहफे में नहीं मिलती किसी की। तो मुझे जो मिल रहा है प्यार आपसे, ऑडियंस से, मैं इसको ग्रांटेड के लिए नहीं लेता, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं इसके लायक रहूं और एक ऐसा रोल मॉडल बनूं कि आप लोग मुझे, यू नो, मेरे से इंस्पायर हो और लुक अप टू करें। एंड कभी इंसान हूं, गलत होगा तो इतना जज्बा और ताकत रखता हूँ, आके हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा कि भाई गलती होगी, दोबारा मौका दे दो। सो बहुत सरल लाइफ है, एंड ब्रीथ है, ब्रीथ तो बहुत स्पेशल रहेगा जिंदगी भर, ब्रीथ बहुत स्पेशल रहेगा। इनफैक्ट आपने पूछा तो कायपोचे के बाद, उस अनुभव के बाद अगर कोई चीज जो उसके करीब आई महसूस में, दोस्ती यारी में, संबंधों में, लाइक मैं मैडी सर के बहुत क्लोज हूँ, बड़े भाई जैसे, वो आदत पड़ी हुई है मैडी सर बोलने की, क्योंकि जब स्ट्रगलिंग डेज से उनको मैडी सर ही बोलते हैं, तो अभी भी उनको मैडी सर बोलते हो तो डांटते हैं मुझे वो, तो मैंने कहा आप तो मैडी सर ही रहोगे, आप बड़े भाई हो। लेकिन वो फिर मयंक के साथ बहुत एक क्लोज हो गए, यू नो, नित्या के साथ बहुत। आई थिंक जब एक काम करते वक्त जब एक संबंध बन जाते हैं पारिवारिक, तो आई थिंक उसकी अलग एक अलग मीनिंग हो जाती है, वो चीज स्पेशल हो जाती है। भी आपने कहा कि कबीर सावंत के जो किरदार को लोग घर पर ले आए, इतना पसंद किया गया, आपने कैसे अप्रोच किया उस रोल को, और डायरेक्टर साहब की तरफ से कितनी फ्रीडम रही?
तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस टीम के साथ ये है कि मुझे ये बहुत मान और सम्मान तो नहीं बोलूंगा कि मान सम्मान के लिए तो हम नहीं जीते काम करते, बट आई थिंक मुझे लिबर्टी बहुत देते हैं, मेरे पे बहुत भरोसा करते हैं। अमेजोन मेरे पे बहुत भरोसा करता है, मेरे प्रोड्यूसर विक्रम सर बहुत मेरे पे भरोसा करते हैं, मेरे डायरेक्टर मयंक तो उन्होंने भरोसा किया, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत आई थिंक संभाला है, सिखाया है, और एक बहुत प्यारा रिश्ता है हम लोग का। हम लोग कई बार लड़ते भी हैं तो सामने वाले को लगता है कि लड़ रहे हैं, बट ऐसा रोल है कि हम लोग बहुत इंटेंस हो जाते हैं। बट मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मयंक की, क्योंकि कबीर को लिखना और बनाना उन्हीं का सबसे बड़ा श्रेय, सबसे बड़ा हाथ उनका है, फिर मुझे संभालना। और अपने लिए कहूंगा कि मैं कबीर को मैंने अपनी लाइफ से बहुत कुछ दिया है, अपने अनुभव से बहुत कुछ दिया है, और अभी अब कबीर से भी बहुत कुछ ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंसान की खूबसूरती इसी में है। इसलिए लोगों को इतना अच्छा लग रहा है कि चाहे आप जितने टूटे हो, टूटे हुए हो, कमजोर हो, या परेशान हो, या दुविधा में हो, उसके बावजूद भी जो अंदर की जो एक आत्मा है, अंदर की जो एक पुकार है कि अगर यू नो आपको दुनिया के लिए जीना है, देश के लिए जीना है, लोगों को सेफ रखना है, प्रोटेक्ट करना है, मुझे इसलिए अच्छा लगता है ये कैरेक्टर कि चाहे इसकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बट ये आस पास बच्चे, विमन, बूढ़े, बुजुर्ग, बड़े, सब सबका ध्यान रखता है, सब सब मुझे ऐसा लगता है कि उसी की वजह से लोगों को एक एक ऑल्टर ईगो आ जाता है। हर इंसान एक बड़ा भाई चाहता है, हर इंसान चाहता है कि हमारी लाइफ में प्रोटेक्टर हो या हमें बचाए। सो मुझे लगता है कबीर वो कर रहा है, एंड इस माहौल में, ऐसे वक्त में मुझे ऐसा लगता है कि कबीर जैसा किरदार लोगों को बहुत होप देता है, उनको एक उम्मीद देता है। अभी आपके जीवन पर आते हैं, बहुत सारी हार्डशिप्स के बारे में सुना, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे, वी ऑल नो योर जर्नी एंड इट्स इंस्पिरेशनल डेफिनेटली। आप क्या समझते हैं कि आपको इस पूरी जर्नी ने एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन कैसे इवॉल्व किया, क्या कहना चाहेंगे इस पर? So, मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हम सोने, खाने, खाना खाने और परिवार बनाने नहीं आते। ऑफकोर्स ये तीन चीजें बहुत बड़ा पहलू है जीवन का, खाना, सोना और परिवार बनाना। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ये मानना है कि सबसे पहला कार्य हमारा है इवॉल्व होना। अगर हम इवॉल्व नहीं हुए तो हमने वक्त और ये जो सृष्टि की जो खूबसूरत चीजें हैं महसूस करने की, देखने की, छूने की, समझने की, हमने सब वेस्ट कर दी। इनफैक्ट मैं लाइटर नोट, हिमांशी जी, मैं जब मेरे को कोई दोस्त मिलता है ना 5 साल बाद और 10 साल बाद, बोलता है यार तुम तो सेम हो, तो मुझे बड़ा कष्ट पहुंचता है। ऐसे यार क्या बात कर रहे हो, ऐसे मत बोलो, इतनी नहीं मैं तुम्हारी लुक्स की बात कर रहा हूँ, मैंने लुक्स को मारो गोली यार, लुक्स का क्या अचार डालेंगे, मुझे बताओ मेरे में परिवर्तन आया कि नहीं। सो मुझे लगता है कि मैं क्योंकि इस बात को बहुत तवज्जो देता हूँ एंड अपना एक रिपोर्ट कार्ड खुद बनाता हूँ, जैसे स्कूल में मिलता था ना, तो स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में तो मेरा हमेशा रेड होता था, क्योंकि मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट ये सब भी करता था, क्योंकि छोटा था और थोड़ा खोया हुआ था। बट अभी मैं इतना फख्र कह सकता हूँ कि मेरा जो रिपोर्ट कार्ड है जो मैं बनाता हूँ हर महीने हर साल, उसमें मैं बहुत इम्प्रूव कर रहा हूँ। 100 में 100 नहीं मिल रहे अभी भी किसी सब्जेक्ट में, लेकिन नंबर ऊपर ही बढ़ रहे, और यही है, यही करते रहूंगा। परफेक्शन तो कहीं ना कहीं बहुत सुना है इल्यूजन होता है, तो ये बढ़ता जाए, क्या पता 100 ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं। एनीवे, अगला सवाल आपके मुंबई में जब आप शुरुआती दिनों में आए थे तो क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे थे, कुछ एक कोई ऐसी घटना जिसका जिक्र आप करना चाहेंगे बिल्कुल शुरुआती स्टार्टिंग वाले डेज में आपके? स्टार्टिंग में मैं अपनी बुलेट पे आया था एंड पहाड़ों से आया था, वहां पे विमल दा थे मेरे पहाड़ों में, तो मैं बाइक से आया था और 6-7 दिन के लिए आया था, और पैसे जो थे वैसे बहुत कम थे, बट मेरे पास कुछ पैसे थे विमल दा के पास, उन्होंने सेव करके रखे हुए थे मेरे, तो वो भी मंगवाए, मैंने कहा दे दो यार, तो किसी तरह वो भी पहुंचे मेरे पास। और बस लोगों से मिलते थे, बाइक चलाते थे, और हम ऑडिशन देने जाते थे, तो जब ऑडिशन देने जाते थे तो मैं तो बिल्कुल
पहाड़ों में रहा हूँ और कुछ किया नहीं, तो वहां लोग जाके बोलते थे हाय दिस इज माय नेम, एंड सब अपने प्रोफाइल देते थे और सब बोलते थे मैंने कोलगेट किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया है. तो मैं जाता था हाय मेरा नेम इज अमित सार एंड मैं रॉक क्लाइंबर हूँ, माउंटेनियर हूँ, बाइक रैली करता हूँ. तो तीन चार बार तो हो गया. फिर मैं एक दोस्त थी मुझे मिलता था वो ऑडिशन में, तो मैं उसको ऐसे बोला, मैंने यार ये कितने ऑडिशन देते हैं, काम तो मिला नहीं कभी. कहता मैं यार बुरा मत मानना, तुम ये सब बंद करो बोलना कि बाइक चलाता हूँ, माउंटेनियर हूँ, यू नो, अगर नहीं कुछ किया तो जाके बोल दो मैंने कुछ नहीं किया है ना. सो कुछ ऐसी ऐसी काफी चीजें हैं छोटी छोटी, बट बहुत लोगों ने साथ दिया है, बहुत लोगों ने हेल्प की. अभी भी बहुत लोग हेल्प करते हैं, बहुत लोग साथ देते हैं, इसलिए यू नो जीवन में आगे बढ़ रहे हैं. ली स्ट्रासबर्ग का आपने जिक्र किया था, थिएटर एंड फिल्म इंस्टीट्यूट न्यूयॉर्क, वहां आप गए सीखने के लिए, क्राफ्ट पर काम किया, क्राफ्ट से इतर क्या सीखा, क्राफ्ट जी के अलावा क्या सीखा जब अनुशासन, आप अनुशासन एक एक्टर का अनुशासन, माइंड का, ट्रेनिंग का, और सबसे बड़ी चीज कि जब आप किसी कमरे में घुसे, आप जब कहीं जाए, वो फेक ऑरा, वो फेक इट फैक्टर जो हम लोग हिंदुस्तान में बहुत तवज्जो देते हैं, जो ओवर एक्टिंग का एक ऑरा होता है, जो आदमी होता कुछ और है और बन के कुछ और घूमता है, वो एक जो ढांचा है, वो जो एक फेक भौकाल है, जब तक कि उसको कम नहीं करोगे, खत्म नहीं करोगे, एक अच्छे कलाकार नहीं बन पाओगे. तो पहले 6 महीने बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि हम यहाँ से गए थे और यही आता था, लगता था कि अगर एक्टर है तो यही करना है, यू नो, कि यहाँ सिखाया जाता था. तो उसका एक्चुअली मुझे एक्चुअली भुगतान भी हुआ, तो वहां से सीखा, समझा, वापस आए, नॉर्मल हो गए, एकदम नॉर्मल बातें करने लग गए, नॉर्मल, यू नो, मैं कौन हूँ, क्या किया है, टीवी पे क्या, सब भूल गए, नॉर्मल बने, क्योंकि वहां सिखाया गया था कि नॉर्मल जब तक नहीं बनोगे तब तक काम नहीं मिलेगा. उसका भुगतान हुआ आते ही, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा स्टूडियो था, आते ही उन्होंने मुझे बोला, मैं उनसे मुलाकात करने गया, मुझे बोला कि तुम्हारी आंखें खराब हैं, तुम्हारे बाल खराब हैं, तुम्हारे कपड़े खराब हैं, तुम्हारी तस्वीरें खराब हैं, और जब तुम कमरे के अंदर घुसे तो दोबारा तुम्हारी तरफ पलट के देखने का मन भी नहीं किया, तुम में इट फैक्टर नहीं है. मैं तो हैरान हो गया, मैंने यार ये सब तो वहां सीख के आया हूं यार. फिर मैंने उनको बोला मेरे पास कपड़े नहीं है, बट कपड़े तो पिक्चर में दोगे ना आप लोग, आपके पास कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट होगा तो आप दे दोगे, तो कपड़ों का क्या इसमें आ गया बात, आप मुझे ऑडिशन तो दो. Anyways, तो मैं जाते जाते उनको एक जरूर चीज बोल के आया, मैंने कहा आप थैंक यू, अगर आप मुझे बोल रहे हैं कि मैं दुनिया का सबसे बेकार इंसान हूं, कि मेरे में सब कुछ खत्म है, तो आपने मुझे बता दिया, थैंक यू, अब मैं इस टाइप के रोल ढूंढूंगा जिसमें खराब आंखें, खराब बाल, खराब खराब कपड़े, खराब, मैं वो कैरेक्टर ढूंढूंगा, मैं वो करूंगा. एंड जो मेरी समझ है, पिक्चर जो है अच्छाई, अच्छे आंख, अच्छे बाल, अच्छे बॉडी की नहीं है, कहानियां जो छूती हैं वो है कमजोर लोग, टूटे हुए लोग, जो निराश होते हैं लेकिन छोड़ते नहीं है, रुकते नहीं है, काम करते रहते हैं, चलते रहते हैं, वो हीरो है. और वो कहानियां टॉम हैंक्स टाइप की कहानियां, चलो अब मैं वो करूंगा. तो मैं बोल के वो आ गया. ऑफकोर्स कुछ दिन बहुत परेशान था और बहुत खो गया कि यार मैं क्या सीख गया हूँ यहाँ, फिर कुछ और बोल रहे हैं, बट जो सिखाया था वहां वो आज तक के काम आ रहा है. आई थिंक नॉर्मल होना बहुत जरूरी है. मुझे इंडिया की जो यूथ है, मैं उनको सलूट मारता हूँ कि ये भी अब इस बात को समझ रहे हैं, और ये भी जो लोग नॉर्मल हैं उनको प्यार दे रहे हैं, उनको यू नो उनके साथ जुड़ रहे हैं. और अगर आगे बढ़ना है देश में, तो मुझे लगता है हम सबको नॉर्मल होना बहुत जरूरी है. नॉर्मल मतलब होता है कि हम सब बराबर हैं, कोई राजा नहीं है, कोई रानी नहीं है, और कोई नौकर नहीं है. अगर आपका वक्त है तो मेरा वक्त है, मेरा वक्त है तो आपके वक्त की भी इज्जत होनी चाहिए. एंड जो गलत है उसको गाली बकने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा तराशने की जरूरत है, और एक दूसरे को सही करते हुए, टोकते हुए, समझाते हुए, प्यार करते हुए हमें आगे बढ़ना है. 2021 में किन प्रोजेक्ट्स में आपको देख सकते हैं? मुझे दयांश जी इतने इतने प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते हैं, बट 100 सुनार की एक लोहार की, जो मिलता है मैं उसमें सब कुछ डाल देता हूँ. बट पता नहीं क्या है, यू नो, ऊपर वाले की मेहर है, आशीर्वाद है माँ बाप का, कि जैसी पिक्चर खत्म होती है दूसरी मिल जाती है. सो आई एम श्योर ये खत्म होते होते एक और आ जाएगी, टेंशन नहीं है. ऑल द बेस्ट, थैंक यू. जाते जाते आखिरी सवाल, कि
इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे जो न्यू एंट्रेंट्स हैं उनके लिए एक अगर संदेश एक मंत्रा देना चाहें अपने इस इतने वेरिड एक्सपीरियंस से तो क्या कहेंगे? पहली चीज तो कहूंगा स्ट्रगल करना बंद कर दो। हम लोग इसमें बहुत अपने आप को एंजॉय करने लग जाते हैं, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। यू नो ये बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें एक बार गिर जाओगे बाहर निकल नहीं पाओगे। मैं भी गिरा था, फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हम स्ट्रगल करने के लिए पैदा नहीं हुए। स्ट्रगल है वो एक अलग चीज है, वो एक रास्ता है। सो ये जो एक सोच है स्ट्रगल करने वाली खत्म कर दी, क्योंकि ये ऐसी एनर्जी बना देगी कि पूरी दुनिया आपको देखेगी, क्योंकि आप खुद बोल रहे हो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो वही एनर्जी क्रिएट होगी, वही क्रिएट करेगी एनर्जी, लोगों को भी लगेगा ये तो स्ट्रगल कर रहा है। अपने आप पे विश्वास रखें, ऊपर वाले ने और अफकोर्स आपके माँ बाप के वजह से आपकी आंखें, आपकी आवाज, आपके बाल, आपके गड्ढे, आपके स्कार्स, ये बहुत स्पेशल है। आपको लोग मिलेंगे आपकी जर्नी में, बोलेंगे ये गड्ढे भरवा दो, ये स्कार छुपा दो, तुम्हारी आंखें ऊपर नीचे उनको हटवा दो। लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, लोगों की नहीं सुननी है। बट जिम जाके दिन रात अच्छे कपड़े पहन के एक टाइम वेस्ट करके पार्टी करके ड्रिंक करके इन सब चीजों से सोशलाइज करके कि मैं उससे मिलूंगा तो मेरा फायदा होगा, मैं दो बजे तक इनके साथ पार्टी करूंगा तो मेरे कुछ नहीं होगा। अपने आप को जानो, जीवन जियो, दोस्ती यारी करो, बाकी लाइफ जियो, मेरा मैं नहीं कह रहा कि आपको जो पसंद है आप करो, बट अपने लिए करो। और मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा लाइफ में आप घुसेंगे, लोगों के साथ संबंध रखेंगे, सीखेंगे, हम्बल रहेंगे, किताबें पढ़िए यू नो, और वक्त को जाया मत कीजिए। एंड अभी तो बहुत अच्छे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर आ गए हैं, अभी तो इंटरनेट आ गया है, कोई काम ना दे तो ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे अपना अच्छे से प्रैक्टिस करके मोनोलॉग डाल दो और 4 लोगों को टैग कर दो कि मेरा मोनोलॉग है, यू नो। सो उन सब चीजों पे ध्यान दें, अभी तो बहुत एवेन्यूज आ गए हैं। एंड मैं इतना ही कहूंगा कि जिस जिसका सपना है, चाहे वो एक्टिंग का हो, किसी भी आर्ट का हो, या जो कुछ भी करने का सपना है आपका, मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे कि वो पूरा हो, बट आपको 1000% देना पड़ेगा। So, आज ही से अभी से 1000% दीजिए, दैट्स इट। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों तक आपकी बात पहुंचेगी, संदेश पहुंचेगा। और आपसे कहना चाहेंगे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने विस्तार में हमने कई बातों पर बात की, और बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपका भी एंड आपके सवालों का, और आपकी जो प्यारी हंसी जो है अब इसी तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट ऑलराइट।